हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स अभी आप लोगों का UP SSC ANM 9212 वैकेंसीज का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्ट के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर आप लोगों के अभी तक प्रिपेयर नहीं है तो पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब पूरे तैयार कर लीजिए। तो मैंने आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आप देखोगे कि क्या क्या आप लोगों को ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट की। तो जब भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका जो प्रिंट आउट आपने लिया होगा, तो उसकी क्या है प्रिंट आउट की एक जो कॉपी है वो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हो गई एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट की एक कॉपी, ठीक है, वो आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश के महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके मामले में जो आपका OBC ST और EWS का सर्टिफिकेट होगा वो पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। यानी आप सबसे पहले आप अपने जहाँ पे आप लोगों का जो भी मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, तो वो क्या है अपने जो मायका है, ठीक है, जहाँ पे उनके माता पिता रहते हैं वहाँ के द्वारा आप वहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है, और वहाँ पे आप ये बताओगे कि हमें पिता पक्ष का प्रमाण पत्र चाहिए। तो क्या होगा कि वो लोग आपका वहाँ पे भी कुछ जो रिटर्न में वर्क होता है वो होगा, और उसके बाद उसको क्या हुआ होगा वहाँ पे के बाद आप उस डॉक्यूमेंट जो भी आपको पेपर्स होंगे वो आपको अपने जहाँ से आपकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, वहाँ पे उस तहसील में आप जाके किसी जनसेवा केंद्र पर दोगे। फिर वहाँ से जाके आपका फाइनल जो आपका प्रमाण पत्र है जाति वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनाया जाएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन पिता पक्ष की तरफ से दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिता पक्ष की तरफ से प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, ठीक है। यानी जो आपका काम होगा, जो आपका प्रोसेस होगा, वो दोनों तहसीलों से होगा। पहली बात तो आप लोगों की जहाँ जन्म हुआ है उस तहसील से भी कुछ वर्क होगा उस पर, और उसके बाद जहाँ शेफ की शादी हुई है वहाँ से भी, ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल प्रमाण पत्र मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की। तो शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में क्या क्या जरूरत होगी, सबसे पहले हाई स्कूल का अंक पत्र मार्कशीट, फिर उसका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि आपके जन्मतिथि को उससे से काउंट किया जाएगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो गया आपका, यानी कि आपका प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया ANM कोर्स की मार्कशीट हो गई, ठीक है। उसके बाद ANM कोर्स की डिग्री हो गई, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो गया जो इंडियन नर्सिंग, जो उत्तर प्रदेश जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, जो मिडवाइफ काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसको आपको लाना होगा, उसको वो आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और जितनी भी इनकी फोटोकॉपीज़ होंगी वो सब प्रमाणित होंगी। आपको किसी से प्रमाणित करना कराने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी कॉपी होंगी उसकी वो क्या होंगी, सेल्फ अटेस्टेड होंगी, खुद से प्रमाणित होंगी। तो ये आपका हो गया सारा जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो आपका जो है अनुभव प्रमाण पत्र होगा, वो आप जिस ज़िले से आप अपना जॉब कर रहे हो, ठीक है, जो संविदा वाली जो सिस्टर है वो जिस ज़िले से कर रही हैं उस ज़िले के CMO के द्वारा निर्गत क्या होगा प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका OBC जो है। निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, हालांकि आपका निवास प्रमाण पत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि आपको लेना है या नहीं, लेकिन फिर भी आप तैयार रखिए, ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो
आपका सारा कुछ, जो भी सर्टिफिकेट है, जो आपकी योग्यता है, मार्कशीट इंटर तक का सारा कुछ आप पूरे आप तैयार रखेंगे, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट आपके बने होंगे, जो भी प्रमाण पत्र बनेंगे, तो जो आपने अप्लाई किया है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, वहाँ तक ही मान्य होंगे। उसके आगे जो निर्गत किए जाएंगे वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो आपके सर्टिफिकेट होंगे, उसके जो फॉर्म की एप्लीकेशन डेट है लास्ट, वहाँ तक की ही बने होनी चाहिए। उसके बाद जो बने होंगे वो अमान्य कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा। और जो आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो लाभ है वो क्या मिलेगा, यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको मिलेगा। अगर यूपी के बाहर से किसी ने अप्लाई किया है तो उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो एक जनरल कैंडिडेट की तरह काउंट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में है, जो कहीं केंद्र या राज्य सरकार की किसी सर्विस में है, जॉब कर रहे हैं, तो उनको वहाँ के द्वारा, सेवायोजक के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, तो जो एनओसी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो एनओसी आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी, ठीक है, और वो प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, जन्मतिथि, जो आपकी हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा, और कोई आपका सर्टिफिकेट जन्मतिथि के लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सिर्फ जो आपका एप्लीकेशन डेट थी उसके लास्ट जो डेट है वहाँ तक की ही मान्य होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों का कई बार रिक्वेस्ट आया हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में कि सर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सारे कैसे तैयार कराए जाएंगे, क्या है इसके बारे में आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा, तो मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट रहेंगी, उनकी जितनी भी फोटोकॉपी रहेंगी, सब क्या है, सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी, और जितनी भी ओरिजिनल रहेंगी सबको आपको क्या है, एक फाइल में सीक्वेंस से लगाना होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल और जो आपकी फोटोकॉपी होंगी सभी को आपको दिखाना होगा, ठीक है। और अपना अनुभव प्रमाण पत्र जिन लोगों को भी नहीं मिला है वो लोग आप लोग ले लीजिए, और वो बस ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वहाँ तक का ही डेट होनी चाहिए, उसके बाद का मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आप ये होगा कि अगर आप बाद की डेट का बनवाएंगे तो उसमें ये होगा कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया उसके बाद बनवाया है, ठीक है, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, और जैसे ही इससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट आता है तो तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पे। और आप लोगों की जो रिवाइज्ड आंसर की आ गई है, ठीक है, जो क्वेश्चंस गलत हुए थे आंसर की में पहली वाली में, तो उससे रिलेटेड जिन्होंने आपत्तियां भेजी थी तो उस पर एक नई आंसर की जारी की गई है, ठीक है। तो नई आंसर की जारी की गई है, उसको आप क्वेश्चन उससे मिला लीजिए, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके टोटल सही हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।